बोल पंडित जी के मन सपने में काय में कबूल के मन सपने में श्याम देखो तेरे सुने पंडित जी देखो तो बातों भाई भैया बातों भाई का भाई बोली सपने कन्हैया ने मुझसे ये कहा था ब्राह्मण देव जब ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम मेरे पास खत भेज देना आऊंगा ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तुम रो काहे को रही है खत तो तेरा पहुंच ही गया होगा आएंगे चली जाना अब इसमें रोने की क्या बात है। कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजू जिसका सारा पकड़ती वही सारा छूट जाता है अब मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है ब्राह्मण देव एक काम करो आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका में चले जाओ। पंडित जी ने सुना हम तो पहुंचे गए जो बोले सोई कुंडी खोले अरे भैया मेरे ऊपर बढ़ाता है और मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा हम तो रास्ता नहीं बन जाएंगे बेटी ये काम मुझसे नहीं होगा। कहने लगी पंडित जी अब तुम्हारे अलावा मुझे कोई दिखाई भी तो नहीं देता मेरी बात कोई पूछने वाला नहीं है इस घर में ब्राह्मण देव अगर आप नहीं जाओगे तो मैं आपकी आंखों के सामने मर जाऊंगी लेकिन ससुराल से शादी नहीं करूंगी। तो पंडित जी को तरस आ गया बेटी मरो नहीं लिखो पहुंच गए तो पहुंच गए और न पहुंच गए तो पहुंच गए रास्ता में मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे तेरी खबर जरूर कर देंगे। अब रुक्मिणी जो है वो खत लिखने लगे हे श्याम सुंदर मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मोर मैंने अपना तन मन सब तुम्हारे ऊपर निशावर किया है घनश्याम लेकिन मेरा भैया हम लोगों के बीच में दीवार बन गया है मेरे भैया के साले ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है श्याम मेरी दशा वो है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है। ए मोहन अब वो सब अपने हृदय सम्राट के लिए रुक्मिणी लिख रही
तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अब वो खत जो है बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, कहा ले जाओ। चले हैं कुंदनपुर से और द्वारिका के लिए पंडित जी विचार मन में आ रहे हैं, चलो रुक्मणी का काम भी हो जाएगा और हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, ये सोच करके आगे बढ़े हैं। और दो चार कोसे ही न कर पाए, अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। पंडित जी विचार करते अभी तो कुछ भी नहीं चल पाए, द्वारिका बहुत दूर पड़ी है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, और बड़ा अब बड़ा कहा पैर काम ही नहीं कर रहे, उठ ही नहीं रहे। तो पंडित जी ने देखा भाई पास में एक बड़ा सुंदर बगीचा, सोचा कि यही जगह उचित है, चलो यही बैठते हैं थोड़ा आराम करते हैं। अब पंडित जी विचार करते हैं बूढ़े से